जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अरे मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है, कौन हो यार तुम? मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं तो देखा है पक्का, कौन हो तुम बताओ? सईना भी लाइक गजब बेइज्जती है यार, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, हैशटैग बेवफा स्केचम कमेंट बॉक्स में कर देना। सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है। फाइनली यार खुश हो जाओ, मेरी प्यारी सईना वापस आने वाली है। यस सईना वापस आने वाली है और ये ऑलमोस्ट ऑफिशियली कंफर्म है। यस गाइस, लगा झटका, मजा आने वाला है। और सईना के साथ साथ यार मिस्टी और मे के रिटर्न के बारे में भी आप सबको बताऊंगा, और ये भी ऑलमोस्ट कंफर्म है। क्या हुआ, नहीं मान रहे? अरे बताता हूँ, प्रूफ चाहिए, पूफ सी पूफ जेठालाल की भाषा में। तो देखो यार, अभी मैं पोकेमोन वालों को फ़ोन करूंगा, वो कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा, हल्ला नहीं करेगा, वरना वो फ़ोन काट देंगे। अभी आपके सामने कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो देखो फ़ोन कर रहा हूँ, चुप हो जाओ सब। हाँ हेलो पोकेमोन वालों, सईना कब वापस आ रही जल्दी बताओ, आप जो कहोगे वो मैं कर दूंगा। अच्छा ऐसी बात है, अच्छा अच्छा ओके ओके। तो हाँ, पोकेमोन कंपनी वालों ने ये बोला है कि अगर इस वीडियो पर 20K लाइक हो जाएंगे और सबके सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो सईना वापस आ जाएगी। सो यार दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं पोकेमोन जर्नी सीरीज में सारी की सारी पोके गर्ल्स वापस आ चुकी है। नहीं मान रहे? वापस प्रूफ चाहिए, बताता हूँ। केंटो और जोटो होविन तीनों में मिस्टी और मैं थी, वो वापस नहीं आई। और फिर आता है सिनो और यूनोवा, जहाँ की डोन और आइरिस आ चुकी है, केलो से सईना नहीं आई, अरोला की सारी पोके गर्ल्स आ चुकी है। तो बसती है ये तीन पोके गर्ल्स जो कि है सईना, आय हाय कितनी क्यूट है, मिस्टी अरे यार ये भी क्यूट है, मैं ये भी क्यूट है, अरे यार तीनों क्यूट पोके गर्ल्स नहीं आई, यानी कि ये तीनों पोके गर्ल्स अभी तक नहीं आई है, क्या वजह है दया? पता तो लगाना पड़ेगा। और ये कब रिटर्न आएगी देखते हैं। सबसे पहले बारी बारी बात करते हैं, पहले बात करते हैं अपन मिस्टी के बारे में, खड़ूस लड़की मिस्टी के बारे में बात करते हैं। तो देखो मिस्टी थोड़ी सी गुस्से वाली है और वापस आती है तो मजा आ जाता है। अभी हाल ही में सन एंड मून में वापस आई थी, इसी वजह से पोकेमोन कंपनी वाले थोड़ा सा एपिसोड को लंबा कर रहे हैं, थोड़ा गैप ज्यादा कर रहे हैं, ताकि यार जब वो रिटर्न आई ना लोगों को ऐसा ना लगे अरे तो अभी वापस आई थी, यानी कि पोकेमोन कंपनी वाले इसको रिटर्न लेके आएंगे पक्का, कंफर्म हूं यार मैं, मैंने बोल दिया ना। तो पोकेमोन कंपनी वाले नहीं करेंगे, इसी कारण की वजह से बोल रहा हूँ मिस्टी वापस आएगी। और मिस्टी के पास एक मेगा पोकेमोन भी है, मेगा गैडोस। और यार वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है और बहुत सारे जिम लीडर्स जैसे कि बिया हो गई, वॉकनर हो गया, ये सब वापस आने वाले हैं और ये मुकाबला कर रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में। वॉकनर जो है वो वापस आएगा, वो ऐसे मुकाबला करेगा, वो एक जिम लीडर भी है। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि भाई साहब कहीं ना कहीं जिम लीडर्स भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में आ रहे हैं और ऑलमोस्ट यार हर एक जिम लीडर वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहा है। तो यार मिस्टी तो काफी पावरफुल पोकेगर्ल है, उसका एक ही सपना था कि मुझे ग्रेटेस्ट वाटर टाइप पोकेमोन ट्रेनर बनना है। और कैसे बनेगी वो ग्रेटेस्ट पोकेमोन ट्रेनर वाटर टाइप वाली, एक ही जरिया है, वो है वर्ल्ड चैंपियनशिप। अगर वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने आपको प्रूव कर देगी कि मैं ग्रेटेस्ट पोकेमोन ट्रेनर हूँ, तो हाँ यार इसका मतलब यही हुआ कि मिस्टी वापस आने वाली है, आएगी तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में आएगी और ऐसे मुकाबला करेगी मिस्टी का गैराडोस वर्सेस पिकाचू रिमैच बैटल। आय हाय सुनने में मजा आ गया, यानी कि यार कितना मजा आएगा। ओ यार दूसरी जो स्टोरी मुझे नहीं लगती कि मिस्टी वैसे वापस आएगी, बेस्ट स्टोरी यही है कि मिस्टी ऐसे ही वापस आएगी, यानी कि ऐसे मुकाबला करने आएगी और हार जाएगी। मिस्टी फैंस माफ कर देना, पर हम तो पहले एसके फैंस हैं, लड़कियों के चक्कर में हम नहीं पड़ते, हम एसके फैन थे और रहेंगे हमेशा के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं मैं के बारे में, मैं कैसे वापस आएगी, क्योंकि मैं जिम लीडर नहीं है, उसको इतना पावरफुल ट्रेनर भी नहीं बनना है कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ले ले। तो यस वो वापस आ सकती है डोन की तरह, डोन जैसे रिटर्न आई है पोकेमोन को बचाने के लिए, वैसे अपनी मैं वापस आएगी और मैं बोलेगी ग्राउडोन कायोगर रेकोजा मैं तुम्हें बचाऊंगी। फिर पीछे से इसके समय का बोलेगा अरे बेटे तुमसे ना हो पाएगा, हमें ना साथ तो डरने क्या बात। यस मैं वापस आ सकती है डोन की तरह, आई थिंक यार वो पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा बिल्कुल भी नहीं लेगी, बस मैं बोल रहा हूँ। तो पोकेमोन कंपनी वालों के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करते हैं, बट आई थिंक यार मैं कभी भी यार पोकेमोन वर्ल्ड
रिलेशनशिप में नहीं आएगी, वो आएगी तो सिंपल रिटर्न होगा। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मैं और सरीना जो है ना साथ में रिटर्न आए, बिकॉज यार सरीना जो थी केलोस के एंड में होविन चली गई थी, होविन गई थी सो यार मैं से तो मिलेगी मिलेगी ना, मैं और सरीना बेस्ट फ्रेंड बन चुकी होगी और दोनों एक साथ वापस आएंगे। बट अगर चांसेस की बात करें तो चांसेस काफ़ी कम है कि दोनों एक साथ वापस आए, बिकॉज पोकेमोन कंपनी इज इक्वल टू बिजनेस, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो दोनों को कभी भी एक साथ वापस नहीं लेके आएंगे। पहले इनको सोलो रिलीज करेंगे, सोलो इनको भेजेंगे रिटर्न कराएंगे, बिकॉज अगर सोलो रिटर्न कराएंगे तो यार ज़्यादा एपिसोड बनेंगे, ज़्यादा एपिसोड इज इक्वल टू पैसा, पैसा इज इक्वल टू मज़ा। तो इसी कारण की वजह से पोकेमोन कंपनी वाले ऐसा कर सकते हैं, उनको अलग अलग ही वापस लेके आएंगे और मैं आएगी डोम की तरह वापस, ये तो पक्का है। अरे सारी पोके गर्ल्स आ रही है तो मैं क्यों नहीं आएगी यार, मैं भी वापस आएगी पक्का यार, नहीं मानोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो यार बात। फिर बात करते हैं सबसे ग्रेटेस्ट रिटर्न के बारे में, जो कि पोकेमोन फैंस पागल हो रहे हैं। सरीना के फैंस इतने पागल हो रहे हैं कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था स्ट्रॉन्गेस्ट पोके गर्ल कौन है, उसमें सरीना को जिता दिया, मतलब अक्कल ले। मैं मानता हूँ सरीना अच्छी है बट यार पावरफुल वो नहीं है, पावरफुल जिताने था तो मिस्टी को जिताते, आयरिस को जिताते, बट ना सरीना के फैंस इतने ज़्यादा हैप्पी है सरीना के लिए, खुश इतने हैं कि यार उसको वापस चाहिए चाहिए। सो इसी काम की वजह से सरीना वापस आएगी, टेंशन मत लो। तो देखो यार सरीना के फैंस यार कब से यार उम्मीद लगाए बैठे हैं सरीना वापस आएगी आएगी, बट पोकेमोन कंपनी वाले बोल रहे हैं कौन सरीना, क्या होती है सरीना, सरीना को हम लोग भूल गए। बट यार सरीना के फैंस इतने ज़्यादा है ना कि पोकेमोन कंपनी वालों को उसको वापस लाना ही पड़ेगा यार, विदाउट एनी डाउट। तो हम लोग बात करते हैं सरीना कैसे वापस आएगी। तो सरीना जो है कोऑर्डिनेटर है, अगर वो वापस आएगी तो धमाके के साथ वापस आएगी, आएगी तो ग्रिंजा को लेके आएगी। मुझे लगता है कि एसो कहीं ना कहीं ग्रिंजा का याद आएगी तो बोलेगा यार ग्रिंजा कहाँ हो तुम, और तभी पीछे से सरीना आएगी ग्रिंजा के साथ, दोनों मेन कैरेक्टर्स आ जाएंगे, केलोस के फैंस खुश हो जाएंगे, पोकेमोन कंपनी का फायदा हो जाएगा, पोकेमोन कंपनी को पैसा मिल जाएगा, हमको सरीना ग्रिंजा मिल जाएंगे, और क्या चाहिए यार, कितनी अच्छी डील है पोकेमोन वालों, मान जाओ यार, नहीं मानोगे तो मैं क्या करूँ यार। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सरीना वापस आनी चाहिए विदाउट एनी डाउट, सरीना वापस आओ, एक काम करो कमेंट करो सरीना कम बैक, सरीना कम बैक, और हम कभी कह सकते हैं। बट दोस्तों सरीना वापस आएगी पक्का, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सरीना नहीं आएंगी, तो मुझे आप एक रीजन बता दो कि सरीना वापस क्यों नहीं आनी चाहिए, नहीं है ना आपके पास जवाब और होगा भी नहीं। तो रुको मैं आपको एक और ऐसी थ्योरी बताने वाला हूँ ना, उसको सुनने के बाद आप लोग बोलोगे हाँ भाई मान गए बात, सरीना वापस आएगी आएगी पक्का आएगी। तो देखो यार सारी पोके गर्ल्स वापस आ चुकी है, डोन आयरिस एलोला की पोके गर्ल्स, लगभग यार 60% पोके गर्ल वापस आ चुकी है, ओनली 40-30% पोके गर्ल बची है, वो भी वापस आएगी। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो एक पल के लिए मान लो आप पोकेमोन कंपनी वाले हो, अरे पैसा लेके कहाँ जा रहे हो, मानने को बोला है असल में हो नहीं आप। तो देखो आप पोकेमोन कंपनी वाले हो और आपके काफ़ी सारे फैंस हैं पोकेमोन कंपनी के, आधे से ज़्यादा फैंस, लगभग 90% फैंस बोल रहे हैं सरीना वापस चाहिए, और आपको पता है जितना हम इनको वेट कराएंगे उतना ही ज़रा ये एक्साइटेड होंगे, और जितना एक्साइटेड होंगे ना हमको पैसा मिलेगा। तो आप लोग क्या करोगे, यस पोकेमोन फैंस को वेट कराओगे, और पोकेमोन कंपनी वाले वैसे ही कर रहे हैं, पहले धीरे धीरे दूसरी पोके गर्ल्स को वापस लेके आ रहे हैं, फिर यार जैसी सारी पोके गर्ल्स कंप्लीट हो जाएगी वो रिटर्न लेके आएंगे ग्रेटेस्ट पोके गर्ल सरीना को वापस। तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, पोकेमोन कंपनी वाले इतने पागल नहीं है कि उनको पता ही नहीं है पोकेमोन फैंस क्या चाहते हैं, उनको हर एक बार पता है पोकेमोन फैंस क्या कर रहे हैं, ट्विटर पर क्या ट्रेंड हो रहा है, उनको सरीना वापस चाहिए पोकेमोन वालों को भी पता है, और पोकेमोन कंपनी वाले इतने भी पागल नहीं है कि फैंस की इच्छा को पूरा ना करें, फैंस की इच्छा को पूरा करेंगे पर थोड़ा सा वेट कराएंगे, सब्र कराएंगे, बिकॉज यार वो कंपनी है, कंपनी ऐसी काम करती है। और कहीं ना कहीं मैं तो ये बोलूंगा कि सरीना वापस आएगी, और कहीं ना कहीं सरीना वैसे भी वापस आ सकती है कि सरीना वापस आएगी मिस्टी वापस आएगी, दोनों आपस में लड़ेंगे, बिकॉज यार सारे के सारे पोकेमोन फैंस जाना चाहते हैं अगर सरीना और मिस्टी आपस में मिलेगी तो क्या होगा। सो यार मैं तो ये सोचता हूँ कि मिस्टी और सरीना को दोनों को एक ही साथ वापस आना चाहिए, बिकॉज दोनों पोकेमोन के फैंस जो है ना आपस में फाइट करते रहते हैं, बोलते हैं अरे नहीं मिस्टी बेस्ट है, अरे ना 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 सरीना बेस्ट है, अरे कितना फाइट करते हो यार, फाइट देखनी है ना पोकेमोन वालों को बोलो कि हमको एक फाइट दिखाओ मिस्टी और सरीना के बीच में। मैं बता रहा हूँ मिस्टी और सरीना एक दूसरे को मिलेगी ना, दोनों एक दूसरे की जान की प्यासी बन जाएगी, मतलब एक दूसरे को ख़त्म ही कर देगी, ऐसे कैसे बोलेगा वाह क्या सीन है, मैं निकला था पोकेमोन की टीम बनाने और मैंने GF की टीम बना ली, मतलब ऐसे कहते तुम्हारी क्या लाइफ है, जिंदगी हो तो ऐसी वरना हो ही ना, बता रहा हूँ मैं। तो यार ऐसे ही होने वाला है, मिस्टी में सेना टीम
तीनों की तीनों वापस आएगी यार, विदाउट एनी डाउट। भले ही ब्रोक वापस आई जाना आए, भले ही या कैलमेंट वापस आई जाना आए, भले ही किलेन वापस आए या फिर ना आए, बट ये पोकी गर्ल्स तो वापस आएगी आएगी, बिकॉज पोकी गर्ल्स की पॉपुलरिटी काफी ज्यादा है और तीनों पोकी गर्ल्स के रिटर्न आने के चांसेस लगभग 90% है। और मेरे सोर्सेस ने ये बताया है कि यस ये वापस आने वाली है, बट यार यकीन करना या फिर ना करना वो आपके ऊपर है। मैं यकीन करता हूँ, मुझे पूरा यकीन है 90% ही सोर्सेस जो है ना कंफर्म है ऐसा होने वाला है, बट देखते हैं क्या होगा। ये तो पूरा पोकेमोन कंपनी के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो फैंस है, हम थ्योरी बना सकते हैं, बट जो करना ना करना पोकेमोन के हाथ में है। तो आप लोग पोकेमोन वालों को बोलो वो रिटर्न लेके आएंगे। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, सी यू सून।